छात्रों द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक को रॉड से मार पीट कर जख्मी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित प्रभारी एचएम और छात्रों के बीच हुई विवाद के बाद भगवानपुर थाने में आवेदन दिया गया है। यह मामला भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय ददरा का है। बताया जाता है कि यह विवाद और मारपीट हाई स्कूल में 10वीं के परीक्षा फॉर्म भरने और 1,050 रुपये लेने के बाद भी रसीद नहीं देने को लेकर हुआ था। आज मैं वहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक था। कौन से विद्यालय का? ओरिजिनल प्रभारी प्रधान रविंद्रनाथ पांडे है। कौन से विद्यालय है? उत्क्रमित उच्च विद्यालय ददरा। अच्छा, और मैंने यही कहा बच्चों से कि आप लोग 30 तारीख को आइए, फॉर्म भराएगा आप लोग का, और इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और अचानक हमारे ऑफिस में आकर के ये हमको मारे हैं। किस चीज़ से मारे हैं बच्चे? से मारे हैं। अच्छा, कौन क्लास के बच्चे थे? 10 क्लास के। अच्छा, परीक्षा फॉर्म को भरने को लेकर मैंने यही कहा कि फॉर्म आप लोग का भराएगा, 30 तारीख को आइएगा, सर आएंगे तो भरेंगे। अच्छा, दो तीन बच्चे गाली गलौज करते हुए आए और एक बच्चा ने सुनील कुमार नाम था उसका, सुमुनी सिंह यादव का लड़का है, गांव ददरा ताड़ी पर। अच्छा, सुशील कुमार। अच्छा, कौन से विद्यालय से हैं? ददरा। वहीं छात्रों का कहना था कि परीक्षा फॉर्म भरने में ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और उसका रसीद भी नहीं दिया जा रहा था। इसी विवाद में एक छात्र ने शिक्षक को मार दिया था। वहीं इस मामले में भगवानपुर थाना अध्यक्ष अनिल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक और छात्र के बीच हुए मारपीट और विवाद के बाद दोनों तरफ से आवेदन मिला है, जांच की जा रही है।